राजधानी द्रौपदी मुर्मू के 3 दिन के दौरे को लेकर आबू रोड से बड़ी खबर। 2 दिवसीय दौरे के तहत राष्ट्रपति मुर्मू आएंगी। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में पहुंचेंगी। वहीं 3 जनवरी शाम 4:15 पर मानपुर हवाई पट्टी उनका स्वागत किया जाएगा। आपको सिरोही आबू रोड से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को अपने दौरे पर रहेंगी। मुर्मू सुबह ध्यान साधना के बाद पांडव भवन में पहुंचेंगी, जहां पर वे ब्रह्मा बाबा के कमरे में समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि देंगी। मुर्मू सरोवर में भोजन के बाद पाली के लिए रवाना होंगी। आपको बता रहे हैं सिरोही आबू रोड से बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज चौरसिया हमारे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, 2-3 जनवरी को आबू रोड में अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, पूरी अपडेट चाहेंगे आपसे। जी सकुप्ता जी, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे के तहत 3 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जाएंगी 3 जनवरी शाम 4:15 वो मानपुर हवाई आजादी अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत के उदय विषय पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसके जो संस्थान के जो कार्यकारी सचिव वी के मृत्युंजय से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति संस्थान के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर जाएंगी, जहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद सुबह ध्यान साधना के बाद वापस पांडव भवन पहुंचेंगी, जहाँ ब्रह्मा बाबा के जो कमरे हैं वहाँ वो समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि व ध्यान साधना करेंगी। फिर वापस ज्ञान सरोवर में भोजन कर पाली के लिए रवाना होंगी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मानपुर स्थित हवाई पट्टी पर साफ सफाई वो व्यवस्थाओं को अंतिम रूप तैयारी की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता, सीओ टी सुमंगला, एसडीएम कालूराम खोड, राहुल जैन, आबू रोड एसडीएम राय, पर्यटन उप पीडब्ल्यूडी एक्शन वासने समेत तमाम जो जिले के आला पदाधिकारी हैं वो शांतिवन परिसर पहुंचे। डायमंड हॉल में व्यवस्थाओं का किया फिलहाल शांति परिसर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयार है, और वहाँ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां बड़ी तेजी से तैयारियां की जा रही है। जी जी, तो ये थे मनोज चौरसिया आबू रोड से, धन्यवाद।